हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 42 फीट इंटू 30 फीट का ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान लेके आया हूँ, जो कि इस प्लान में कार पार्किंग दिया गया है और दो बेडरूम, एक किचन, एक पूजा रूम और दो टॉयलेट दिया गया है। सो चलिए दोस्तों, प्लान को एक बार अच्छे से देख लेते हूँ, उसके बाद मैं 3D में आपको सारे मेजरमेंट एंड सारे डिटेल्स इल्यूमिनेशन 3D में सब आपको दिखा दूंगा। सो मैं पहले आपको 2D में सारे मेजरमेंट एंड डिटेल्स दिखा दूंगा, उसके बाद 3D में आपको दिखा दूंगा। सो चलिए देख लेते हैं। सो इस फेसिंग का प्लान है। सो इधर फ्रंट साइड में कार पार्किंग दिया गया है, जो कि 13 फीट इंटू 10 फीट 4 इंच का है। उसके बाद इधर एक पोर्च दिया गया है, जो कि 3 फीट का एक पोर्च दिया गया है। सो इधर 4 फीट का मेन एंट्री गेट दिया गया है, जो यहां से एंट्रेंस होगा। सो इधर एंट्री होने के बाद अब ड्राइंग में आ जाएंगे, जो कि ड्राइंग का साइज है 9 फीट इंटू 13 फीट 4 इंच का। सो ड्राइंग का प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इधर एक 4 फीट का विंडोज दिया गया है। सो और इधर सोफा के सीटिंग सिस्टम भी दिया गया है। सो ड्राइंग से ही इधर स्टेयर दिया गया है, जो कि यहाँ से अप होगा। सो स्टेयर की साइज 6 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट 7 इंच का स्टेयर दिया गया है। उसके बाद इधर एक पूजा रूम दिया गया है, जो कि 4 फीट इंटू 6 फीट 5 इंच का है। सो पूजा रूम का वेंटिलेशन के लिए इधर 3 फीट इंटू 3 फीट का विंडोज प्रोवाइड किया गया है। सो पूजा रूम के पास में ही किचन दिए गए हैं, जो कि किचन का साइज है 8 फीट इंटू 8 फीट का। सो किचन का वेंटिलेशन के लिए भी इधर 3 फीट इंटू 4 फीट का विंडोज प्रोवाइड किए गए। सो उसके बाद आप डाइनिंग में आ जाएंगे। डाइनिंग का साइज आप देख सकते हैं, सो 9 फीट 5 इंच इंटू 12 फीट 9 इंच का दिया गया है। इधर आप हैंड वॉशिंग के लिए वॉशिंग एरिया दिया गया है। सो आप इधर देख सकते हैं, एक बेडरूम दिया गया है, जो कि बेडरूम का साइज 11 फीट इंटू 14 फीट 5 इंच का है। सो इस बेडरूम में दोनों साइड में वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में 4 फीट का विंडोज प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सोफा के पोजीशन एंड बेड का पोजीशन। उसके बाद इधर और एक बेडरूम दिया गया है, जो कि सेम साइज का बेडरूम, जो कि 11 फीट इंटू 14 फीट 5 इंच का है, जो दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 4 फीट का विंडोज प्रोवाइड किए गए हैं। इस रूम के साथ इधर एक अटैच टॉयलेट दिया गया है, जो कि टॉयलेट का साइज 4 फीट इंटू 8 फीट का है। सो इधर एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है, जो 5 फीट इंटू 8 फीट का है। दोनों टॉयलेट का प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 1 फीट 5 इंच का वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। सो अब एक बार अच्छे से प्लान को देख लीजिए। सो उसके बाद मैं आपको सारे कॉलम का डिटेल्स, कहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया गया है, कॉलम का साइज क्या है, सारे डिटेल्स बता दूंगा। सो आप इधर देख सकते हैं, इधर कॉलम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सारे कॉलम का साइज 10 इंच इंटू 10 इंच का दिया गया है। और ऑल वॉल बिल्डिंग का ऑल वॉल 5 इंच का दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16 प्रोवाइड किया गया है, जो कि इधर आप देख सकते हैं बिल्डअप एरिया 12,060 स्क्वायर फीट का है। सो कॉलम साइज 10 इंच इंटू 10 इंच और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16 दिया गया है। सो इधर डोर एंड विंडोज का डिटेल्स दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए।
उसके बाद मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ प्लान को। तो उसके बाद मैं 3D में आपको फ्रंट एलिवेशन, साइड व्यू, सारे डिटेल्स दिखा दूंगा। अब चलिए 3D में प्लान को देख लेते हैं। आप फ्रंट साइड का व्यू देख सकते हैं। 3D में फ्रंट साइड का व्यू कैसे बनाया गया है। इधर राइट साइड का व्यू है, जो खूबसूरत राइट साइड का भी व्यू खूबसूरत दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं विंडोज़ का ग्लास का पैनल एंड वुडन पैनल दिया गया है। इधर बैक साइड है, इधर बैक साइड में विंडोज़ दिया गया है, उसका भी ग्लास का एंड वुडन का टेक्सचर दिया गया है। और इधर राइट साइड है, इधर एक और विंडोज़ प्रोवाइड किए गए हैं, जो इधर भी सेम ग्लास एंड वुडन का पैनल यूज़ किया गया है विंडोज़ पे। इधर आप देख सकते हैं डिज़ाइन किया गया है। आपको डिज़ाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इधर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड भी है, फ्रंट साइड से कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में जो गैरेज दिया है उसका ऊपर एक टेरेस दिया गया है, जो कि गैरेज के हाइट 9 फीट दिया गया है, उसके ऊपर छत से एंट्री होगा। इधर गार्डनिंग पर्पज से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टॉप व्यू से अंदर का व्यू दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं 2 बेडरूम दिया गया है। बेडरूम का पोजीशन, इधर एक किचन, इधर पूजा रूम, इधर दोनों टॉयलेट एंड डाइनिंग एंड ड्राइंग का पोजीशन भी दिया गया है। और इधर स्टेयर आप देख सकते हैं, स्टेयर का पोजीशन। आप इधर देख सकते हैं टॉप से बैक साइड का व्यू। दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। जो मैं इसी तरह नया बिल्डिंग प्लान लेके आऊँगा। दोस्तों आज के प्लान पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको प्लान कैसा लगा।